आज हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल चुके हैं बहुत ही पावन धाम। वहाँ पे जाने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वो जगह है मंदिर। कहाँ चलना है? बस स्टॉप नहीं नहीं बस स्टॉप नहीं रेलवे स्टेशन सॉरी नहीं नहीं पकड़ा दो ना अंकल। सो फनी मंदिर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे जय श्री कृष्णा। हम लोग बहुत दिनों से मनगढ़ जाने का प्लान कर रहे थे पर कभी इस वजह से कभी उस वजह से टल जा रहा था, पर फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं। तो रायबरेली से कुंडा पहुंचने में हम लोग को लगभग 1 घंटे लगेंगे, तो 1 घंटे का हमारा ट्रेन का सफर होने वाला है। कुंडा हरनामगंज हम लोग पहुँच चुके हैं। ट्रेन है 7 बजे की। तो आप लोग इसे फैमिली ट्रिप बोलिए या फिर फ्रेंड्स जो भी बोलना बोल सकते हैं। तो दीदी बाबा और थोड़े बहुत चिन्नी मिन्नी लोग साथ में आए हुए हैं। हम लोग मंदिर पहुंच चुके नहीं है अभी। इधर क्या है? ये कृपाल धाम। दिक्कत ये है कि अभी गेट बंद है। बाबा की चगाई जिंदगी चल रही। एक चश्मा की कमी नहीं। गाइस ये तो गेट खुला है, ये बन रहा है क्या? प्रवेश निषेध है, एंट्री बंद है भैया। ये रहा हमारा मनगढ़ का मंदिर राधे कृष्ण का। हरे गोविंद हरे गोविंद। ये है हमारी सिस्टर। ये है क्या कहते हैं डाकू मंगल सिंह। हम है डाकू मंगल सिंह जगदेव कृपाल परिषद। तो ये यहाँ का हॉस्पिटल है। मेरे दोनों भाई पता नहीं कहाँ चले गए। गेट नंबर 2 जगदेव गुरु कृपाल चिकित्सालय। ये देखिए आप लोग गेट कितना सुंदर लग रहा है। अंदर नहीं जा रही मैं। यहाँ पे बहुत सारे मरीज वरीज हैं। अब मेरे भाई नहीं मिल रहे हैं, उनको कहाँ चले गए सब। चला कितने रुपए गए? 15 रुपए 20 रुपए 25। अरे अपनी बहन को फ्री में खिला दो चने। गाय है पीछे गला कटी होगा आंटी का। यहाँ बट चना खाओ जरा। गाइस ये देखो कुआं और इसमें और ही बापरे बड़ा गहरा है। है पानी है इसमें। आई डोंट थिंक ये कोई कुएं में पानी होगा, बहुत गहरा है। मेरा हाथ लगे हाँ डालो। ये 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 देखो पानी आ गया। मेहनत वाला पानी इसे बोलते हैं। भैया मेहनत का पानी पिलाओ। ये देखो सब वही मैं हाथ पाए बोर दी पहले बड़ी जल्दी रहे। कृपालु धाम प्रवेश प्रवेश द्वार। पता है आप लोग को हम लोग 1 बजे से 11 बजे से इंतजार कर रहे थे ना। अभी गेट खुल चुका है। 11 बजे से वेट कर रहे थे और अभी 2 बज रहा है क्योंकि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। और वैसे भी ये गर्मी का सीजन चल रहा है, मैं आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी भी 2 बज गए लेकिन अंदर जो टाइल्स हैं इतनी गर्म है मैं बता नहीं सकती कितनी गर्म है। और पर क्या ही कर सकते हैं, दर्शन करने का इतना ही शौक़ है हम लोग को कि हम लोग चाहे जो भी हो धूप छाओ जाएंगे। हम लोग क्या सभी लोग जिसको भी दर्शन करना होता है। राधे 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 राधे। चेकिंग चेकिंग। बताओ ना आप लोग को, जिसने भी ये मंदिर बनाया या फिर कोई भी मंदिर बनाते हैं मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ। ये रहा हमारा कृपालु धाम। बाबा कहाँ चले गए? ये रहा हमारे अर्जुन का यथ रथ सॉरी यथ बोल रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, अंदर भी देखना अभी दृश्य। बहुत अद्भुत है। हम कानपुर में नहीं गए, मंदिर में गए ऐसा नहीं यार। सबको तो चप्पल उतारे हुए हम ही लोग नहीं। अभी वहाँ जमा होंगी जो इधर है। हाँ जमा हुई है। ये है हमारा मनगढ़।
मैं आप लोग को बताऊँ ना, जब भी मैं ऐसी कहीं कोई भी जगह जो भी तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ जाती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गई हूँ, पर यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत साल पीछे चली गई हूँ, राधा कृष्ण वाले जमाने में, आई मीन युग में। और यहाँ पे जूते रखने की सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ कि मुझे ना यहाँ जब भी कोई मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ की जो कलाकृति होती है, जो गेट में और जो मंदिर पे पूरा जो कलाकारी होती है, मुझे ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इतनी सुंदर कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं लोग, पर ये हाथ की ये कला है। उस कला को मेरी तरफ से सच सच नमन है। तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, जो हमारा भक्ति मंदिर है राधे राधे, जो भी जितने भी मंदिर है यहाँ पे अंदर वीडियो बनाना या फिर फोटो खींचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मैं आप लोग को बाहर का व्यू ही दिखा सकती हूँ, अंदर का थोड़ा बहुत अगर मेरे फोन में कैप्चर होगा तो मैं आप लोग को जरूर ही दिखाऊंगी। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला है, तो आप लोग जल्दी से चुपके से दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, और किसी को बताना मत कि मैंने वीडियो बनाया था अंदर चोरी से। वो रहे देखो सारे दृश्य वहाँ को, जो पूजना वगैरह ना वहाँ। वैसे आप लोग को पता है कि ऐसी जगहों पे जाने से क्या होता है, ऐसी जगहों पे जाने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। जैसा कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमें ऐसी जगहों पे जो कि हमारे तीर्थ स्थल हैं अवश्य घूमना चाहिए। और मैं आज आपको पूरा मनगढ़ घुमाने वाली हूँ, पर इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, जल्दी आएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे टाइप करिए। बाय बाय।